टॉप 10 एक्सपोर्टेड बाइक फ्रॉम इंडिया इन जुलाई 2020। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जुलाई 2020 में कौन सी बाइक ने कितनी बाइक्स को एक्सपोर्ट किया है। और आप सबको पता होगा कि ये 10 कंपनी ऐसी हैं जो कि इंडिया में अपनी बाइक को बनाती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं इन कंट्री लाइक नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका और साउथ एशिया। सो गाइज, इनमें से बहुत सारी बाइक्स ऐसी होंगी जो कि इंडिया में बनती तो है लेकिन इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक लॉन्च ना होके डायरेक्टली इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में एक्सपोर्ट होती हैं। सो गाइज, इसमें आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा कि कौन सी ब्रांड ने, कौन सी कंपनी ने कितने यूनिट एक्सपोर्ट किया जुलाई में। और आप सबको पता है कि ये पेंडेमिक चल रहा है तो जुलाई में काफ़ी सारी बाइक्स का 99% कंपनी ने अपने सेल्स को ड्रॉप किया है। सो मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि जुलाई 2019 में कितना सेल्स इसने, कितने यूनिट को सेल्स करा था एक्सपोर्ट, और 2020 जुलाई में कितना नंबर ऑफ जो एक्सपोर्ट है बाइक का वो कितना हुआ है, किस कंपनी ने कितना किया है। सो इस कंपैरिजन से आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या ड्रॉप आया है सेल्स में एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। सो गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। सो नंबर 10 पे जो कंपनी आ रही है उसका नाम है महिंद्रा। आप सबको पता है कि महिंद्रा मोजो एक बिगेस्ट फेल रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बिकॉज इसका जो आफ्टर सेल्स जो सर्विस पार्ट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है और कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेके और फाइनली उन्होंने किसी और बाइक पे स्विच कर लिया है। जबकि इसका BS6 वेरियंट भी लॉन्च हो गया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लेकिन ये बाइक इंटरनेशनली मतलब लॉन्च भी होती है और एक्सपोर्ट होती है यहीं से बनके। अपार्ट फ्रॉम दिस एक स्कूटर है ई ल्यूडेक्स करके जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ही बनाई जाती है और एक्सपोर्ट होती है अदर कंट्री में। गाइज, अगर बात करें महिंद्रा के बारे में तो जुलाई 2020 में इन्होंने बस अपने 64 यूनिट को ही यहाँ से एक्सपोर्ट किया है जो कि काफ़ी कम है। आपको पता है जिस बाइक का रिव्यू अच्छा नहीं होता, सो बाइक चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या इंडियन टू व्हीलर मार्केट, उसका डिमांड नहीं होता है। अब मूव करते हैं नंबर नाइन पर अपने आप को नॉमिनेट कर लिए हार्ले डेविडसन। आप सबको पता है कि क्रूज सेगमेंट में इससे बढ़िया बाइक शायद ही कोई होगी। एक ब्रांड वैल्यू भी है इस बाइक का और हार्ले डेविडसन बहुत सारे डिटेल अपने कस्टमर या इंडिया में शेयर नहीं करती है लेकिन बस ये इन्होंने इतना बताया है कि जुलाई 2020 में इनका जो टोटल नंबर ऑफ बाइक्स का जो एक्सपोर्ट किया है वो 1221 यूनिट बाइक एक्सपोर्ट हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू जुलाई 2019। आपको समेर अराउंड 40% का ड्रॉप मिलेगा एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। गाइज, हम नंबर 8 पे अपने आप को नॉमिनेट कर रही है यहाँ पे पियाजो ग्रुप से जो कि इटली बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी स्कूटर एंड कमर्शियल व्हीकल बनाती है। आप सबको अगर याद हो तो वेस्पा VXL, SXL 125 और ZX 125 जैसी स्कूटर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कंपोनेंट के साथ इंडियन टू व्हीलर मार्केट में दिख जाती हैं और ये सारे जो मॉडल्स हैं वो इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ एक्सपोर्ट यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में 2020 जुलाई में तो इन्होंने 1087 यूनिट को एक्सपोर्ट किया है यहाँ से जो कि काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू जुलाई 2019। जुलाई 2019 में 2791 यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया था। सो अगर आप कंपैरिजन करें तो 60% का आपको ड्रॉप मिलता है यहाँ पे। नंबर 7 पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड जिसको रॉयल इनफील्ड के नाम से जाना जाता है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और अगर आप बात करें कि कौन कौन से मॉडल को एक्सपोर्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है लेकिन क्लासिक 350 को खास करके एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से और जो कैफे रेसर है 500 और 500 इलेक्ट्रा, इन सब बाइक्स को तो एक्सपोर्ट किया ही जाता है। इसके अलावा भी कुछ और बाइक्स ज़रूर होंगी क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है अपने वेबसाइट पे एक्सपोर्ट को लेके लेकिन इन्होंने अपने एक्सपोर्ट फिगर को ज़रूर शेयर करते हैं हर साल। तो इस साल का जो एक्सपोर्ट फिगर है जुलाई 2020 के लिए उसमें आपको 2409 यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया है जो कि काफ़ी कम दिख रहा है, लगभग 51% का ड्रॉप मिल रहा है आपको। और गाइस, इसमें जो लास्ट ईयर जो आपको मिला था वो 5003 यूनिट एक्सपोर्ट किया गया था जिसमें आपको 51% का ड्रॉप दिख रहा है। गाइस, आई एम सॉरी, एक गलत डिटेल शेयर कर दी है मैंने, जो हार्ले डेविडसन है
उसमें आपको एक ऐसा ब्रांड है जिसने पैंडेमिक में भी ग्रो किया है, इनका 40% ग्रोथ है इस पैंडेमिक में भी। लास्ट ईयर जो इनका सेल्स एक्सपोर्ट यूनिट था वो 1221 से काफ़ी कम था, समवेयर अराउंड 40% कम था, और इस साल इन्होंने गेन किया है 40% एक्सपोर्ट के रेशियो में जो कि 1221 है। अब मूव करते हैं एक जापानीज बाइक की तरफ, और ये बाइक नंबर 6 पे अपने आप को नॉमिनेट करिए, जो कि है कंपनी का नाम है सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और जो जिक्सर सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा कहें आप या क्वांटिटी कहें उस तरह से एक्सपोर्ट होती है, और 2020 जुलाई में जो इनका टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट है वो है 2991 यूनिट, और इसमें आपको समवेयर अराउंड 56% का आपको ड्रॉप मिलता है, और लास्ट ईयर का आप सेल्स रेवेन्यू नंबर ऑफ बाइक एक्सपोर्टेड इन 2019 जुलाई अगर आप देखें तो 56% का ड्रॉप है वहाँ पे। सो जो लास्ट ईयर था वो था 6870 यूनिट। अब बात करते हैं काफ़ी ख़ास काफ़ी फेमस इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ब्रांड जो काफ़ी पुराना है उसके बारे में। सो नंबर 7 पे अपने आप को नॉमिनेट करिए हीरो मोटोकॉर्प, और आप सबको पता है कि ये एक ऐसी बाइक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपने इंजन को लेके, माइलेज एंड सर्विस पार्ट को लेके, इनका आफ्टर सेल्स जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छा है। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है बाइक वो है HF डिलक्स जो कि काफ़ी चीपेस्ट है। एक टाइम था कि ये बाइक 45,000 रुपीज़ में आ जाती है, लेकिन जो महंगाई आई है उसकी वजह से इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ऑन रोड प्राइसेस का हो गया 70,000। इसमें आपको 7.8 BHP का मैक्सिमम पावर मिलता है, और 112 किलोग्राम का कर्व वेट मिलेगा, और 4-स्ट्रोक का इंजन मिलता है। अगर आप बात करें इसके एक्सपोर्ट रेशियो के बारे में तो आपको इसमें 7563 यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया है जुलाई 2020 में, जो कि 69% के ड्रॉप पे है इन कंपैरिजन टू 2019 जुलाई। गाइस 2019 जुलाई में जो इनका नंबर ऑफ एक्सपोर्ट था वो था 24,463। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ड्रॉप डाउन हुआ है पेंडेमिक की वजह से। अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 4 बाइक की तरफ, उस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है होंडा टू व्हीलर इंडिया लिमिटेड। आपको स्पेसिफिकली होंडा ने काफ़ी सारी बाइक्स को एक्सपोर्ट करा है, लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो है डियो, सीबी हॉर्नेट 160R और नवी। जैसे मैंने सीबी हॉर्नेट 160R का नाम लिया होगा तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट को छोड़ के इंटरनेशनली इसका BS6 वेरियंट लॉन्च हो गया हो और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च नहीं किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं वो भी BS4 वेरियंट में ही हो रही हैं। गाइस जिसमें आपको 12,251 यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया है जुलाई 2020 में। अगर आप कंपेयर करें नंबर ऑफ़ यूनिट्स को 2019 जुलाई से तो इसमें आपको 64% का ड्रॉप मिलेगा, और ये जो रेशियो था 2019 जुलाई का वो है 34,631। अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट के बारे में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, जिनकी बाइक है R15 V3, द मोस्ट सेलिंग हॉट केक ऑफ इंडिया। सो गाइस इस बाइक का नाम है यामहा, जो कि एक जापानीज कंपनी है, और ये जानी जाती है अपने इंजन स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट के लिए। साथ में आप सबको पता ही है कि R15 ने कितना ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया है। सो यहाँ पे हम सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ़ यूनिट दैट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड इन इंडिया इन 2020 जुलाई इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो एक्सपोर्ट हुई हैं वो 14,212 यूनिट एक्सपोर्ट की गई है जुलाई 2020 में, जो कि 42% के ड्रॉप पे है अगर आप कंपेयर करें नंबर ऑफ़ यूनिट दैट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड इन 2019 जुलाई। सो ये जो फिगर है 19 का वो 24,401 है, और 2020 जुलाई का जो फिगर है वो है 14,212। अब मूव करते हैं इस लिस्ट के सेकंड नंबर बाइक की तरफ, जो बाइक की कंपनी उसका नाम है TVS। जो TVS एक काफ़ी जाना माना ब्रांड है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और इनकी जो अपाची सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर बात करें कि कौन कौन सी बाइक है, स्कूटर है जो कि एक्सपोर्ट की जाती है, तो सबसे पहले आता है नाम जो स्टार सिटी को लेके, एंटॉर्क काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई है, और जो अपाची की होल सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। गाइज आप सबको पता है कि अपाची सीरीज़ में आपको 160 से लेके 310 cc तक की बाइक मिल जाती है, और जुलाई 2020 में नंबर ऑफ़ यूनिट जो एक्सपोर्ट किए गए हैं वो है 54,141, और
जुलाई 2019 में जो एक्सपोर्ट किया गया था वो था 57,190 यूनिट। सो यहाँ पे आपको 5% का ड्रॉप मिल रहा है। सो आई वुड से कि टीवीएस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा इस पेंडेमिक से, अभी भी नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स तो उतने ही है, जस्ट 5% का ड्रॉप है। सो ये इस लिस्ट की सबसे कम डिक्रीज हुई है यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे बस 5% का ड्रॉप मिल रहा है। अब बात करते हैं नंबर वन कंपनी के बारे में, जो कि इस लिस्ट में अपने आप को नंबर वन पे नॉमिनेट कर रही है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा बाइक को एक्सपोर्ट करती है इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में। इस ब्रांड का नाम है बजाज। बजाज का नाम सुनते ही आपको, अगर आप स्कूटर लवर हैं तो सबसे पहले आपको याद होगा चेतक लॉन्च हुई थी इंडिया में। बजाज बेसिकली स्कूटर ही बनाती थी उस टाइम, पर धीरे धीरे ये अपने पल्सर सीरीज को लेकर आई और इंडियन टू व्हीलर मार्केट को टोटली पलट दिया। हीरो को एक्वायर कर लिया, एक्वायर तो नहीं मतलब उसको रिप्लेस कर दिया टोटली, क्योंकि उस टाइम हीरो की बाइक काफ़ी ज़्यादा चलती थी, जैसे CBZ, स्प्लेंडर, ये सब बाइक्स काफ़ी ज़्यादा थी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। लेकिन बजाज पल्सर सीरीज लॉन्च करने के बाद बजाज ने एक अपना ब्रांड वैल्यू, एक फेस वैल्यू बना लिया था। अगर बात करें कि कौन सी बाइक्स हैं जो कि इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा सिर्फ ये बाइक नहीं, मैं एक बाइक का नाम लूँगा, इसके अलावा बहुत सारी बाइक एक्सपोर्ट की जाती हैं, लेकिन ये बाइक काफ़ी ज़्यादा काफ़ी नंबर्स में एक्सपोर्ट होती हैं। इस बाइक का नाम है बॉक्सर 100। सो एक 100cc की बाइक है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है और कम्यूट सेक्शन में आती है ये बाइक। अगर बात करें नंबर ऑफ़ यूनिट के बारे में कि कितनी यूनिट एक्सपोर्ट हुई है 2020 जुलाई में, सो इसका फिगर है 86,082 यूनिट्स। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ड्रॉप दिखेगा इस पेंडेमिक की वजह से, 43% का ड्रॉप आया है इस बाइक के, इस कंपनी के नंबर ऑफ़ एक्सपोर्ट रेशियो में। गाइस जो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की गई थी 2019 जुलाई में, सो नंबर ऑफ जो फिगर है एक्सपोर्ट का वो है 1,51,232 यूनिट। अब बात करते हैं कि इंडिया ने इस पेंडेमिक जैसे खतरनाक माहौल में भी जुलाई में कितने नंबर ऑफ यूनिट को एक्सपोर्ट किया इन टोटल सारे कंपनी ने मिलके। सो जो टोटल फिगर है वो है 1,81,021 यूनिट। जी हाँ, 1,81,021 यूनिट। ये सारी कंपनी ने जो भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बाइक्स बन रही हैं इनको सारा अगर आप एडअप कर दोगे तो जुलाई 2020 में इतनी यूनिट ही एक्सपोर्ट हो पाई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट 3 times कम है इससे, क्योंकि लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुई थी समय अराउंड 2,50,000 से ज़्यादा, थ्री लाख या 4 लाख के आसपास होगी, क्योंकि 2 लाख के आसपास तो लगभग बजाज और TVS मिलकर एक्सपोर्ट कर लेते थे लास्ट ईयर। सो अगर आप इन टोटल मिला देंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया, 3 times का फ़र्क आया है बाइक के एक्सपोर्ट में। सो गाइज़, ये थी वीडियो आपके उन ब्रांड्स को लेके जो कि अपने बाइक्स को एक्सपोर्ट करती हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।